वार्तालाप की है, आपका नजरिया, आपकी आवाज। मनोज राय पुत्र प्रकाश राय ग्राम सरोज विकास खंड कोपागंज जनपद मऊ द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नामांकन कलेक्ट्रेट में किया गया। मनोज राय के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया। नियत समय अनुसार 3 बजे के पश्चात मनोज राय के नामांकन पत्र की समीक्षा सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई, जिसमें नामांकन वैध पाया गया। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हंसराज, अपर जिला अधिकारी के हरि सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अजय कुमार गौतम, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर धनपाल सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी होरीलाल एवं रजनीश सिंह सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज हमने नामांकन किया है। कितने सदस्य इस बार आपके साथ हैं? अभी तक तो हमको सबका सहयोग मिला है। आज हमने 3 सेट में नामांकन किया है और 34 सदस्य इस जिला पंचायत में हमको लेके हैं और जिस हर जाति धर्म के सारे लोगों के जो भी प्रत्याशी हैं सबका हमको समर्थन है। और 3 सेट में हमने जो पर्चा दाखिल किया है उसमें आप लोगों ने देखा है कि हमारे साथ अखिलेश राजभर जो राजभर समाज से हैं, राधे श्याम मौर्या मौर्या समाज से, उसके बाद 2 सेट में पंकज यादव जी यादव समाज से, उनके साथ विनय कुमार जी जो दलित समाज से हैं, 3रा सेट हमने जो दाखिल किया अजय जायसवाल जी जो समाजसेवी हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी प्रस्तावक, और उनके साथ श्रीमती मोनिका राय जी जो गोठा से। इस तरह 6 लोगों ने हमें अपना समर्थन प्रस्तावक और समर्थक के रूप में आज हमें समर्थन इन लोगों ने दिया है। और भी जो सदस्य हैं सारे सदस्यों का सहयोग हमारे साथ है। ठीक, कौन आपका इसमें? अभी तक तो कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं दिख रहा है। अब 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन का समय है। अब देखिए 1:30 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, अभी तक तो कोई आया नहीं है। हमें नहीं लगता है, सारे सदस्यों ने हमें सहयोग दिया और सर्वसम्मत से बैठक करके हमको अपना अध्यक्ष चुना है। उसके बाद हम इस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। हमें यह विश्वास, चुनाव जीत जाते हैं तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? चुनाव जीतने के बाद जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, गरीबों से जुड़ी हुई जो ग्रामीण क्षेत्र की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन हो, यही हमारी प्राथमिकता होगी।